नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं आस्क योर फिजियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके अपना मसल मास इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि हम रोज जिम जा रहे हैं, अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर जो मसल मास है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे 20 पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं आपके लिए, जिससे आप अपना मसल मास इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो 100% आपकी बॉडी के अंदर मसल मास इंक्रीज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको अपनी BMR कैलकुलेट करनी है। BMR कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आजकल अवेलेबल है, आप उनका सहारा ले सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन भी हमें कई ऐसे टूल्स मिलते हैं जिससे आप अपनी BMR कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये BMR होती क्या है? BMR होती है बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बेसिक मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर हमें हमारे कैलोरी इनपुट, कितनी कैलोरीज हमें चाहिए, वो हमें पता लगानी है। तो ये था पहला स्टेप। अब देखते हैं दूसरे स्टेप के बारे में। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि जो आपकी BMR आई है उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका डेली कैलोरी इनपुट आ जाएगा कि आपको कितनी डेली अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए। तो ये था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी ये कैलोरीज आई है, कितनी भी वैल्यू आई है इनकी आपके BMR के अकॉर्डिंग, इसको आपको 6 मील्स में डिवाइड कर देना है। मतलब जितनी भी कैलरीज आई है उसको 6 मील्स में डिवाइड कर लेना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो ये 6 मील्स हैं, सुबह के टाइम पे ज़्यादा कैलरीज आपको लेनी है और शाम के टाइम पे कम लेनी है या रात के टाइम कम लेनी है, क्योंकि रात को हमारी जो BMR है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो देखते हैं अब चौथा स्टेप जो आपको फॉलो करना है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको हर 3 घंटे में खाना खाना है। ठीक है, बहुत से लोग एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक भूखे रहते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है। तो पांचवा स्टेप जो आपको करना है, उसमें आपको अपने जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इसको डिवाइड करना है कि आपको कितना कार्ब चाहिए, कितना फैट चाहिए और कितना प्रोटीन। तो आपको 50% जितनी भी आपकी डेली कैलोरीज आई है उसका 20% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट को देना है, 30% हिस्सा आपको देना है प्रोटीन को, और 20% जो बाकी बचा हुआ है वो आपको देना है फैट को। यह था पांचवा स्टेप। अब छठे स्टेप की बात करें तो इसमें आप क्या करना है कि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि अगर वो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बहुत टाइम तक सेम वेट से ही वेट ट्रेनिंग करते हैं और वेट को इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर वो 5 किलो से बाइसेप्स कल कर रहे हैं तो बहुत टाइम तक वो 5 महीने 6 महीने तक बाइसेप्स कल उसी वेट से कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि हर हफ्ते 1 से 2 LPS आपको बढ़ाना है, जो आपको मैक्सिमम वेट जो आप उठा सकते हैं उसे 1 से 2 LPS हर वीक बढ़ाना है। और आपका टारगेट होना चाहिए कि 12 हफ्ते या फिर 3 महीने में आप टोटल 12 से 24 LPS अपने वेट के अंदर बढ़ा लें, जितना आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मसल को इंक्रीज करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें 4 कॉम्प्लेक्स कार्ब की मील लेनी है और 2 मील लेनी है हमें सिंपल कार्ब की। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है और सिंपल कार्ब क्या होता है? सो कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होते हैं वो स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स होते हैं। तो आप कैसे डिवाइड करेंगे कि क्या आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और क्या सिंपल कार्बोहाइड्रेट है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं ओट्स, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, स्वीट पोटैटो, मिलेट, ब्राउन राइस केक, व्हीट रोटी, व्हीट पास्ता, बीन्स और लेंटिल्स। अब बात करते हैं सिंपल कार्ब्स में। सिंपल कार्ब्स में आते हैं फ्रूट्स जिनके अंदर की फाइबर कम हो, लो फाइबर वाले फ्रूट्स, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट पोटैटो और फ्रूट जूसेस और स्पोर्ट्स ड्रिंक, ये सब आता है सिंपल कार्ब में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें हर मील के अंदर प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं जैसे कि चिकन हो गया, फिश हो गई, एग हो गया, योगर्ट हो गया, पनीर हो गया, सोया हो गया, वे हो गया या फिर केसीन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आप हर मील के अंदर प्रोटीन तो जरूरी ऐड करें, किसी भी मील में प्रोटीन स्किप बिल्कुल नहीं करना है हमें। नेक्स्ट स्टेप जो हमें ध्यान रखना है कि हमें मॉडरेट फैट वाला फूड खाना है, ज़्यादा फैट रिच फूड्स नहीं लेने हैं। मॉडरेट फैट फूड्स में जैसे कि आलमंड्स आपको लेने हैं, कैश्यूज लेने हैं, वॉलनट्स लेने हैं, पीनट बटर आपको लेना है, फ्लैक्स सीड्स लेने हैं, चिया सीड्स आपको लेने हैं, सनफ्लावर सीड्स, सैल्मन फिश, होल एग्स, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये सब चीज़ें आती हैं मॉडरेट फैट में। तो आपको मॉडरेट फैट के फूड्स खाने हैं, ज़्यादा हाई रिच फूड्स नहीं खाने हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करना है, मतलब एक ही मसल को वीक में कम से कम 2 या 3 बार ट्रेन करना है। अगले स्टेप में हमें ध्यान रखना है कि हमें
हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज्यादा फोकस करना है और आइसोलेटेड मूवमेंट्स उतने ज्यादा नहीं करने हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स की बात करें, कंपाउंड मूवमेंट्स में आते हैं जैसे हमारे डेडलिफ्ट्स हो गए, बैक स्क्वाट्स हो गए, गॉबलेट स्क्वाट हो गए, और हमारे अलग अलग ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके अंदर की पूरी ज्यादातर बॉडी की मसल्स काम कर रही है, ना कि सिंपल एक मसल काम कर रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ओवर हेड प्रेस की, तो ओवर हेड प्रेस में खाली हमारे शोल्डर की मसल ट्रैप्स काम कर रही है या फिर डेल्टॉइड काम कर रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसके अंदर कंपाउंड मूवमेंट्स फॉलो हों और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर लिफ्ट करना है। जैसे कि हम डेडलिफ्ट्स, क्लीन, स्नैचेस और ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और हमें मैक्सिमम 8 रेपिटेशन करना है हमारे एक्सरसाइज का, और 8 कम कर सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा रेपिटेशन हमें नहीं करने हैं। अगला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि हमें हर एक्सरसाइज के बाद उसका ड्रॉप सेट अपने रिजीम में डालना है। मतलब अगर मैंने बाइसेप का बाइसेप कर्ल किया है, तो बाइसेप कर्ल करने के बाद मुझे उसका ड्रॉप सेट भी लगाना पड़ेगा। ड्रॉप सेट में हमें सबसे पहले जो सेट होगा उसके अंदर मैक्सिमम वेट लेना है, फिर धीरे धीरे उसे ड्रॉप करते जाना है, ऐसा हमने 3 या 4 सेट्स तक करना है। तो ड्रॉप सेट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके मसल मास को गेन करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें ध्यान रखना है कि हर एक सेट के बीच में हमें 2 से 3 मिनट रेस्ट करना है ताकि हम प्रॉपर वेट उठा सकें। अगला ध्यान रखना है हमें डेली कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है, हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है और हमें डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है, और हर टाइम टू टाइम में पानी पीते रहना है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें डाइजेशन इश्यूज होते हैं, क्योंकि जब भी हम एक साथ प्रोटीन रिच फूड्स खाने स्टार्ट करते हैं तो बहुत लोगों में देखा गया है कि उन्हें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स एंड ऐसा कुछ। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज़ करने हैं। बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिससे हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉपर हो सके। अगली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि वर्कआउट से आधे घंटे पहले हमें वर्कआउट वीडियोज़ या मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देख लेते हैं, क्योंकि एवरीथिंग सबसे ज़्यादा पहले हमारा माइंड फटीग होता है मसल से पहले। तो जब तक हमारा माइंड प्रॉपरली ट्रेन नहीं होगा तो मसल पे हम कभी भी ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि वर्कआउट करने से आधा घंटे पहले हम ऐसा कोई मोटिवेशनल वीडियो या फिर एक्सरसाइज का वीडियो ज़रूर देख लें। अगली चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है कि हमें टाइमली कंसिस्टेंटली हमारे वेट को मेजर करना है हर वीकली बेसिस पे। मतलब हर संडे को हम अपना वेट चेक कर लें ताकि एक ट्रैक बना रहे कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। इसके साथ आप सेल्फीज भी ले सकते हैं अपनी, ताकि आप इसको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कर सके आपकी जर्नी को। ये थे कुछ पॉइंट जिसे फॉलो करके आप अपने मसल मास को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने डेली एक्सरसाइज रिजीम में डालते हैं तो ज़रूरी आप अपने बॉडी में मसल मास को इंक्रीज कर पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।